तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब डंकी डे 21 पर एंट्री मार चुकी है और कल 20 दिन इस मूवी ने कंप्लीट कर लिए हैं और शानदार तरीके से कंप्लीट कर है, यानी वर्किंग डेज चल रहे हैं। लेकिन भाई वर्किंग डेज में भी जो हाल चाल इसके चल रहे हैं, जिस हिसाब की ये कमाई करते नजर आ रही है भाई, तबाही है। क्योंकि इस टाइम क्लैश चल रहा है और भी मूवीज अभी लाइन पर लगी हुई हैं भाई, दनादन उनके अनाउंसमेंट आ रहे हैं कि ये मूवी इस टाइम को रिलीज हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके भाई साहब हिंदी रीजन की मैं अगर बात करूं, क्योंकि हिंदी से ही फार के रेस्पॉन्स मिल रहा है, हिंदी ऑडियंस अच्छा खासा पैसा इस मूवी पे खर्च कर रही है, ना कि बजट मेंटेन कर रही है। क्योंकि आने वाले टाइम पे भाई 25 जनवरी को फाइटर मूवी देखने को मिलेगी, जो ब्लॉकबस्टर सिद्धार्थ आनंद की ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसने सिद्धार्थ आनंद जिसने पठान मूवी के साथ 2023 में जो शुरुआत करी थी और 1000 करोड़ पीट के गए थे, और वही दमखम इस मूवी से देखने को भी मिल रहा है। क्योंकि भाई साहब ऋतिक रोशन के मेन लीड स्टारर पे है और भाई ऋतिक रोशन का कमबैक कौन नहीं चाहता है। और ये बंदा मूवी भी ऐसा नहीं कि बार बार आते रहते हैं, कम टाइम पर अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, दैट्स व्हाई कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। और सिद्धार्थ आनंद से वैसे ही अच्छा खासा फीडबैक मिल रखा है कि ये बंदा जब भी आता है फाड़ मूवी लेके आता है। देन ऋतिक रोशन से भी फीडबैक है कि भाई जब भी आता है फाड़ मूवी लेके आता है, फाड़ कॉन्टेंट लेके आता है, दैट्स व्हाई कि भाई लोग अभी भी इतना वेट नहीं कर रहे कि ठीक है मूवी आएगी तब देख लेंगे, लेकिन डंकी पे भी पैसा खर्च कर रहे हैं, साथ में सलार पे भी कर रहे हैं भाई। सभी चीज़ों पर बात करेंगे, कल तक क्या कलेक्शन ये मूवी कर चुकी है, आज की क्या ग्रोथ है, आज क्या ऑक्यूपेंसी है, क्या करना है। वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। कल डे 20 की बात करें तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 10.47% की रही है, अप्रॉक्सीमेटली 10% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रही है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट सब मिलाकर, आफ्टरनून भी मिलाकर। नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट का लैंड ऑफ द डे तक आते नजर आ रहा है 1 करोड़ 30 लाख, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 2 करोड़, ओवरसीज से 1 करोड़, और पूरी दुनिया से मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 3 करोड़ के आसपास अपने खाते में रखते नजर आ रही है। तो पहले 20 दिन में नेट इंडिया से ये मूवी कल कितना कर लेती है, टोटल कलेक्शन 219 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन ये मूवी अपने खाते में रखते नजर आ रही है कल एंड ऑफ द डे तक। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन वही 267 करोड़ आ रहा है इसके खाते में, और पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक अर्ली एस्टिमेट 450 करोड़ 70 लाख के आसपास अपने खाते में ले चुकी है। तो देखा जाए तो कोई इतनी भी बुरी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि भाई सब 120 करोड़ के बजट में ही इस मूवी को बनाया गया है, जो सिर्फ 120 करोड़ है, और मूवी ने 450 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है, और देखते ही 500 करोड़ भी टच कर जाएगी भाई एवरेजली। जिस हिसाब से ठीक है पुअर ग्रोथ चल रही है, लेकिन पुअर ग्रोथ में भी जो कंसिस्टेंसी बना के रखी है वर्किंग डेज में भी, भाई वर्किंग डेज चल रहा है, क्लैश चल रहे हैं, जबकि हिंदी ऑडियंस अब सलार को प्रीफर दे रही है, फिर उसके बाद एक्वामैन 2 भी कहीं ना कहीं सोच ले रही है। एनिमल भाई साहब एनिमल बड़ा बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है यहाँ, 100 रुपये टिकट के प्राइस कर दिए, तो कौन नहीं चाहेगा कि भाई साहब वायलेंस एक्शन मूवी हमें देखनी है, तो हम क्यों महंगी मूवी चुने, हम क्यों सस्ते में एंटरटेनमेंट क्यों ना ले लें भाई। तो एनिमल ने बड़ा अच्छा गेम खेला यहाँ पर, लेकिन बावजूद इसके डंकी भी अच्छा खासा कलेक्शन लेके आ रही है। आज की बात करें, आज डे 21 में क्या हाल चाल है इस मूवी के, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 10% की है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट सभी को मिला के अर्ली एस्टिमेट है 10% के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास ग्रोथ चल रही है, ऑक्यूपेंसी चल रही है। नेट इंडिया से आज अर्ली एस्टिमेट है 1 करोड़ 20 लाख के आसपास, क्रॉस इंडियन कलेक्शन आज ये मूवी करते नजर आ रही है 1 करोड़ 70 लाख, और पूरी दुनिया से 2.5 करोड़ के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ के आसपास ये मूवी स्टैंड करती नजर आ रही है। तो पूरी दुनिया से पहले 21 दिन में ये मूवी कितना होल्ड कर लेती है, टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 453 करोड़ 20 लाख के आसपास। तो भाई साहब क्या ये 500 करोड़ टच कर जाएगी, अगर आप डंकी के फैन हो और साथ के डाई हार्ड फैन हो तो ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। क्योंकि भाई इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, मतलब जब से ये क्लैश वाला सिस्टम शुरू हुआ है, थ्योरीज ना जबरदस्त थ्योरी चल रही है, इसके फैंस मतलब सलार के फैंस इसको गाली दे रहे हैं, एसआरके के फैंस उसको गाली दे रहे हैं, तो ये गाली गलौज लगातार चल रहा है और अभी भी चल रहा है। और एक कुछ एक बाहियस यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइक जो सिर्फ सलार को कवर कर रहा है, छोटे से छोटे इवेंट को कवर कर रहे, कोई जो एसआरके का फैंस है वो डंकी के छोटे से छोटे इवेंट को कवर कर रहा है, वो दूसरी मूवी को कवर नहीं कर रहा है, ये इसको कवर नहीं कर रहा है, बड़े पंगे चल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई दोनों ही कंटेंट बहुत शानदार हैं, दोनों मूवी को देखो यार, एंटरटेनमेंट पर्पज से आप एक्शन देख लो, एक्शन से बोरियत आ गई भाई चलो ठीक है, नहीं आया समझ में डंकी देख लो, वैल्यूएबल लेसन्स कॉमेडी इमोशंस वहाँ मिल जाएगा, यहाँ नहीं समझ में आया तो ये और देख लो, ऑप्शंस की कमी नहीं है, मजा लो और कुछ नहीं भाई लड़ो वड़ो मत। 500 करोड़ कर पाएगी नहीं कर पाएगी आप लोग बताएंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।